एग्जाम लिखने 25% प्रिपरेशन के साथ 50% मार्क्स लाने जा रहे हैं. इफ आई एम लेट आई शुड बी फैशनेबली लुक लाइक ब्यूटीफुली लेट लाइक आई शुड लुक गुड एंड लेट बट आई लेट भी होके गंदे से जा रहे हैं क्या. So in this video, we'll be trying out new restaurants, new dishes, new drinks, and also going on a picnic just before exams. So yeah, let's just start. Hi people, what's up? मेरे को cold हो रखा है और हमारे literally आज Thursday है. मैं summit से वापस आ चुकी हूँ और Monday को exam है. आवाज़ बढ़ा दी. भाई मेरा गला जा चुका है और हमें कोई idea नहीं है हमें करना क्या है. मतलब वो हमें कभी नहीं रहता बट स्टिल हम बेशक हम लोग आ चुके हैं बर्गर खाने. हम बर्गर खाने आ गए. बर्गर बर्गर हम वो खाने आ गए कि भाई जबकि घर में खाना है मतलब बनाए कौन. लेकिन मेरे पीजी में है पर खाए कौन. के पीजी में तो हम आए नया रेस्टोरेंट ट्राई करने कि चलो देख लेते हैं. वो भी एग्जाम के पहले जब मेरी तबीयत ख़राब है तभी हमें बर्गर खाने. थर्सडे पे ऑफर है ऊपर आके पता चला पिज्जा ही नहीं इनका ओवन खराब हो रखा है सिर्फ बुर्गी रहने के पास बुर्गी वो बाटी. तो हमने सोचा कि चलो आके ट्राई करते प्लीज़ प्रे फॉर मी गाइस क्या पास हो जाए और मैं सही हो जाऊँ या फिर मैं निकल ही लूँ. एक ही बार में सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम खत्म. ऐसे बैठे हैं रेस्टोरेंट में क्योंकि मेरे घर के पास है तो हम ऐसे वॉकिंग पे निकले. फिर तू बताइए और हम आगे पास ना ये नहीं बोला ना कहाँ है और हम आगे बस खा लें ट्राई करने. यहाँ पे 3 मोमोज दे रहे हैं लोग 140 रुपीज़ के. हमने कहा भाई हम बाहर 3 बार बाहर खाएंगे इसी बात पे अब खाने पे हम वापस खाना ही लेंगे. बाय. खा के जब ख़त्म कर लिए तब हमको याद आया हमें रिकॉर्ड करना था और हम सारे बुर्गी और ये हमने क्या मंगवाया था चॉकलेट बेस कोबा. हम सोच रहे पहले ये पी लेते जिससे बर्गर का अच्छा टेस्ट हमारे मुँह का एडवर्टाइजमेंट नहीं बन गया. इसका रिएक्शन इसने बोला ट्राई करने तो मेरे को दिखा दी. कल वहाँ रेस्टोरेंट में पे करने के बाद मेरा फ़ोन गिर गया था एंड मेरी बड़ी बहुत अजीब इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि आप मेरी बात है एंड आई लेट फॉर कॉलेज खा लिया बट आई होप लाइक होपफुली माय मॉम शी हेल्प्स मी एंड दिस इज माय आउटफिट. दिस इज अ सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता गुड ऑक्सीडेंट इयररिंग्स लाइक हाँ इफ आई एम लेट आई शुड बी फैशनेबली लुक लाइक ब्यूटीफुली लेट लाइक आई शुड लुक गुड एंड लेट बट हाँ लेट भी होके गंदे से जाके क्या. आई मीन आई वॉज ऑलरेडी लेट बट आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रेस अप चल रही है एंड ये सीन्स हैं लिटरली एक एक लाइन से सब लोग सो रहे हैं बट फिर भी आए हम अवेक और हम नोट्स लिख रहे हैं. सो ये फ्लाइट के टिकट चेक करिए कि कब रायपुर पा गए और मैं सब्सक्राइब कर पाई यूट्यूब चैनल. So much hard work they've done. They've never done this much hard work in their life. कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं. पढ़ा हमने कुछ भी नहीं है पर कोल्ड कॉफ़ी पहली प्रायोरिटी होती है. इसके पहली प्रायोरिटी है वड़ा पाव.
जो ख़त्म होके इसने अब बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा फैला हुआ माहौल है, पर कोल्ड कॉफ़ी बनने के बाद ये सेकंड चीज़ इसने गिराई है। अपनी कॉफ़ी गिराई थी, अब इसने आइसक्रीम भी गिरा दिया है। थैंक यू सो मच अप्रिसिएशन। वो कहाँ है हमारा कॉफ़ी मिक्सर? ये है, बहुत सेक्सी बनाया है। ये बंदी कब से एक 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 बार घुमा रही है, और अब हमें ये पूरा आइसक्रीम खपानी है। तो अब हम फ्रूट सलाद खाएंगे, हम गुलाब जामुन खाएंगे आइसक्रीम के। हमारी पढ़ाई चल रही है बहुत बढ़िया, तभी एकदम मैं तो सो गई थी, ये लोग भी सो गए थे, उठते ही हमको चाहिए। एग्जैक्टली सो कॉल्ड गोल्डन आवर की धूप, हमारी स्किन है नहीं, बट यू नो ब्राउन स्किन तो इसीलिए हमें सुंदर लग रहे हैं। वो हम सुंदर हैं भी वैसे, अभी तनिष्का को देखना आना भाई। अभी मेरे को किस इधर आ जा, इधर आए आ रही है। एक बजे कॉकरोच से डर के इतने बड़े दो लोग चटाई और चेयर लेके एक रूम में आ रहे हो। मेरे चेयर को प्लीज मत देखो, थोड़ा एग्जाम की वजह से, वरना मैं बहुत साफ रखती हूँ। मेरा रूम बहुत अच्छा रहता है, ये देखो आलस की हद। कॉकरोच, एक कॉकरोच जिनके पीछे पड़ गया आइसक्रीम, और ये लोग बुक्स भी छत पे छोड़ के आए हैं। महानता की हद है। रात को 1 बजे हम वापस से कोल्ड कॉफी बना रहे हैं। क्या बोल रही थी तू? किसके रिक्वेस्ट पे बनी है कोल्ड कॉफी? मेरे ही रिक्वेस्ट पे है, मुझे हॉट कॉफी पीनी है जाने में, बट कोल्ड कॉफी ज्यादा बेटर होती है तो हम कोल्ड ही बन रही है अब। और अभी हमारे नल्ले नकारे दोस्त अंदर बैठे हुए, उनमें से कोई उठ के नहीं आया, लेकिन उनको कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर चाहिए होगी, लेकिन हम देने नहीं वाले। उनको तीनों को एक कप मिलेगी, तीनों इस रूम में पड़े हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं एग्जाम लिखने, आफ्टर लाइक 25% प्रिपरेशन के साथ 50% मार्क्स लाने जा रहे हैं। एंड हमने जितना कॉफ़ी पिया उतना अगर पढ़ने में ध्यान रखा तो लिटरली आज हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके होते हैं, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे पास करने का, ये कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। अगर हमें सब याद रहा वहाँ पहुँचने तक, क्योंकि हमने 10 बार लिटरली रिवाइज किया है, बट देन स्टिल दिमाग में नहीं है वो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एनी वेज। सो या,